दोस्तों इस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को नीचे जाकर दबाइए और साथ में लगी घंटी के निशान को भी दबाइए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच सके। चाणक्य नीति के महान पंडित आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में अपने जीवन के महान अनुभव को साझा किया है। इसमें उन्होंने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें शेयर की हैं। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में लिखा है कि हमें कभी भी जीवन में चार बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो ये जानते हैं कि ये चार बातें कौन सी हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत चौहान और आप देख रहे हैं रहस्य टॉक शो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें अपने जीवन में हुए अपमान को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जीवन में कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जब हमारा मजाक बन जाता है। अगर आपका कभी भी जीवन में अपमान हुआ है तो उसे हमेशा गुप्त ही रखें। अगर आप उसे अन्य लोगों को बताओगे तो वह आपका मजाक ही बनाएंगे और आपकी पीठ पीछे हंसेंगे। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारी जिंदगी में कद्र करते हैं। अधिकतर लोग तो हमसे ईर्ष्या ही करते हैं। अधिकतर घरों में परिवार के सदस्य खुद झगड़ा नहीं करते बल्कि हमेशा बाहर वाला ही घर में झगड़ा पैदा करता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम अपने घर की बातें बाहरी लोगों को बताने लग जाते हैं तो हमारे घर की छोटी से छोटी बात बाहर वालों को पता लगने लग जाती है, जिसका फायदा बाहरी लोग उठाते हैं और षड्यंत्र करके हमारे घर में कलेश पैदा करते हैं। कभी भी घर की बात बाहरी लोगों से कहने से बचें। विशेषकर किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के चरित्र या स्वभाव की बातें कभी भी किसी इंसान से शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी का सीधा संबंध पति के साथ होता है और पत्नी के अपमान का मतलब है पति का अपमान। इसलिए अगर पत्नी भले ही कैसी ही क्यों न हो, उसकी बातें समाज में करने से हमेशा बचे। इससे आप कई समस्याओं से बचे रहेंगे। यह समस्या बहुत लोगों की होती है कि वे अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी हर किसी को बताने लग जाते हैं। क्या ऐसा करना सही होता है? अपने मन के दुख, तकलीफ और दर्द को दूसरों को बताकर हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। दूसरे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वे आपके दुख दर्द को समझें। अधिकतर लोग आपके सामने आपको सांत्वना तो देंगे पर आपके जाने के बाद आपका मजाक बनाने लग जाएंगे। हर किसी के सामने अपने दुखों का बयान मत कीजिए। अपने मन के दुख और तकलीफों को सिर्फ उन्हीं लोगों को बताइए जो आपके बहुत करीबे होते हैं और जिन पर आपको विश्वास होता है। जीवन में कई बार ऐसा मौका आ जाता है जब हमें पैसों की तंगाली हो जाती है। हम अपने धन और दौलत से हाथ धो बैठते हैं। पैसों की कमी के कारण हमारा मोरल एकदम घट जाता है और हम खुद को कंगाल महसूस करने लग जाते हैं। ऐसे में कभी भी अपनी कंगाली के हालातों को दूसरे लोगों के सामने बयां करने से बचना चाहिए। अपने खोए हुए धन की अगर आप हर जगह चर्चा करेंगे तो लोग आपका मजाक बनाने लग जाएंगे। आजकल की दुनिया में ऐसे इंसान की कोई हेल्प नहीं करना चाहता जिसके पास धन दौलत नहीं है। जब भी आपके साथ ऐसे हालात हो जाए तो खुद को मजबूत बनाएं और ऐसे हालात से निकलने की सोचें। धन की हानि हो जाने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। अपनी पावर और खुद पर भरोसा रखें। यह दुनिया बदलती रहती है और दुख सुख लगा रहता है, इसलिए अपना सम्मान करें और दूसरे लोगों को अपनी इन बातों को बताने से बचें और समस्या का सोल्यूशन निकालें। तो ये थे चाणक्य नीति से बताई गई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको हमेशा उनका पालन करना चाहिए। तो यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर शेयर कीजिए।